रहेगा चार, उसके बाद जो प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों के गुणा कर लीजिए, पौंतिया पंद्रह, पौंतिया पंद्रह, ठीक है। फिगर तो देख लिए दोस्तों, चलिए पूरा फिल्म देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ठीक होंगे, आज टॉपिक है चर्चा करने वाले हैं, आज इक्वेशन नहीं है, रूटे वाला है आज, मतलब सिंप्लीफाई है, और उसी पर कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कुछ कल देखे थे, कल रूट में चले थे, आज कुछ डिफरेंट है, उसी का चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहे, अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब मत कीजिए, और लाइक अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके जाए। आपको एक डिसलाइक, आपको डिसलाइक से हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर नहीं करते यार, शेयर आप लोग जरूर करिए, शेयर करना मत भूलिए, मतलब वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दे, आप लोगों को दोस्तों को फायदा हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज के। आप लोग को पता होगा हर प्रमेय कारण, इसमें देखिए रूट पांच प्लस रूट थ्री, ठीक है, बटा रूट पांच माइनस रूट थ्री, ठीक है। करा इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, हर प्रमेय कारण आप लोगों को पता होगा, हर प्रमेय कारण त्रिकोणमिति में चतुर्थ से पढ़ते आए एट नाइन टेंथ से, हर प्रमेय कारण की बात देखते हैं, यही वाला ऊपर गुना होता है, लेकिन खाली इसका चिन्ह चिन्ह होता है। देखिए रूट फोर रूट पांच प्लस रूट थ्री बटा रूट पांच प्लस रूट थ्री, ठीक है। खाली जी इसका है ना, खाली चिन्ह चेंज होता है, सेम है ऊपर नीचे गुना होता है, लेकिन चिन्ह चेंज होता है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो तो ऊपर ऊपर सेम है, इसको हम कर सकते हैं, इसको हम बोल देंगे रूट पांच प्लस रूट थ्री के होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखिए तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, देख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए इतना का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए तो लिखिए हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी रूट पांच का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, इसको ए मान लिए, इसको बी रूट पांच को रूट थ्री के बी, ठीक है। देखिए तो वैसे कर लेंगे, हो जाएगा हमारा ऊपर में ए प्लस बी का स्क्वायर तोड़ लीजिए, न तो ए प्लस बी का स्क्वायर जानते ए स्क्वायर प्लस बी का पता सबको होता है, तो ए स्क्वायर तो पांच का स्क्वायर रूट पांच का स्क्वायर पांच प्लस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस टू इंटू ए प्लस बी यानी कि टू रूट पंद्रह, आप रूट पंद्रह का फिगर रखिए इंटू ए प्लस बी, इसको बी इसको देखिए रूट पांच गुणे रूट थ्री पंद्रह हो जाएगा, यानी कि देखिए तो रूट पांच का स्क्वायर पांच और रूट थ्री का स्क्वायर तीन, पांच में से तीन जाएगा दो, तीन से कर सकते हैं पांच तीन आठ प्लस टू रूट पंद्रह बटा टू, देखिए तो यहाँ से कुछ कॉमन होगा, दो कॉमन होगा तो चार रूट पंद्रह बटा टू, टू से टू कट गया तो वैसे कह सकते हैं डायरेक्ट चार रूट पंद्रह, ये तो हमारा हुआ लॉन्ग विधि से। शॉर्ट विधि कैसे करेंगे, देखिए अंदर वाला कितना हो गया जोड़ के हमारा आठ, आठ का में आठ का आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा चार, उसके बाद जो प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों के गुणा कर लीजिए, पौंतिया पंद्रह पौंतिया पंद्रह, ठीक है। और नीचे में देखिए तो नीचे में दोनों को कुछ कर लेंगे, दोनों को पहले बारह करके घटा लेंगे, घटा के बाद उसको भागा दे लेंगे, बारह करके घटा कितना आएगा, इसको बारह करेंगे रूट पांच किया तो पांच और तीन की तो तीन, पांच में तीन जाएगा दो और फिर दो से भागा दे देंगे तो दो से दो कट गया, यानी कि हमारा एक हमारा हो गया कितना चार रूट पंद्रह, उसी पर सर कमर उसे तुरंत दीजिए। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं, तो पहले हम बताए थे हर प्रमेय कारण, देखिए तो सबके हर प्रमेय कारण करेंगे तो लॉन्ग चल जाएगा ना, तब ए का हर प्रमेय कारण करेंगे और सबको उसी अनुसार से बना लेंगे। देखिए तो पहले इसको हर प्रमेय कारण करके देखे थे नीचे में दो गुने रूट छ प्लस दो, इसका हर प्रमेय कारण कीजिए तो हो जाएगा रूट छ प्लस माइनस छ हो जाएगा दो बटा रूट छ माइनस दो, देखिए तो यहाँ गुना हक हो जाएगा टू रूट सॉरी दो गुने रूट छ माइनस दो बटा, देखते हैं
ए प्लस बी एंटो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्री होता है, एक रूट छः का स्क्वायर हो जाएगा छः माइनस और दो का स्क्वायर चार, तो ऐसे कर सकते हैं दो इंटू रूट छः माइनस दो बटा में दो। देखे तो जब ए वो इतना निकल के आया तो ये आंसर करके कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं इसको, इसको हर पर में करेंगे तो टू इंटू गुना हो जाएगा रूट छः, इसे प्लस तो माइनस में दो, और नहीं तो वही आएगा छः का स्क्वायर, दोनों को बढ़ करके घटा लेंगे, इसका छः का रूट छः का स्क्वायर छः और दो का स्क्वायर चार, और घटा के कितना आएगा तो छः में सारे छः में से चलेगा तो दो बचेगा, तो लिख दिए प्लस। ठीक है जब ए उतर लगे सबको फटाफट फटाफट हो जाएगा। देखिए इसको हाथ में करें करेंगे प्लस में है नीचे में बोले तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं, और एक बोले कुछ भी एक बोले कुछ भी एक बोले तीन तो तीन होगा। देखिए तो एक बोले हो जाएगा रूट सेवन माइनस रूट सिक्स बटा में दोनों को बार करके कुछ घटाने कहे थे तो रूट सात का स्क्वायर सात, रूट छः का स्क्वायर छः, और छः सात में छः होगा एक, यहाँ से एक हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस उसी देखिए माइनस में दोनों प्लस हो जाएगा, हम कह सकते रूट आठ प्लस रूट सात और बटा में एक, देखिए वर्ग करके घटाने में तो बस तो और रूट आठ के वर्ग वर्ग आठ होगा और रूट सात के स्क्वायर तो सात होगा, तो आठ में से सात जाएगा एक, अब प्लस इसको सुन के सुन ही देंगे टू माइनस टू रूट टू। चलिए तो देखिए तो एक बार यहाँ कट गया और यहाँ से पूरा लिखा जाएगा रूट छः माइनस दो प्लस रूट सात माइनस रूट छः प्लस रूट आठ प्लस रूट सात माइनस टू रूट टू कट रहा है, ये तो प्लस माइनस कट गया। ठीक है यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे कि प्लस यहाँ पर माइनस लिख दिए थे। ठीक है ये छः छः कट गया, दो दो कट गया प्लस माइनस, और देखिए वो ई कट गया बोले कैसे, देखिए रूट आठ लिख सकते हैं चार गुने दो रूट चार के बराबर जानते हैं दो मतलब दो बाहर निकल जाएगा दो हो गया। ठीक है रूट टू रूट टू प्लस में माइनस कट गया, देखे तो यहाँ रूट सात प्लस रूट सात मिल जाएगा टू रूट सात हमारा हो गया आंसर, मान लीजिए। चलो इसको हल करते हैं, इसको तो हर पर में करेंगे करेंगे कैसे करेंगे, देखो तो हर पर में करेंगे करेंगे देखिए प्लस में चलेगा ऊपर चलेगा माइनस, तो यहाँ से कह सकते हैं देखिए तो यहाँ से लिख लूंगा इसे थ्री रूट दो के नीचे देखिए नीचे में पहुंचे प्लस कर देगा माइनस हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट छः, ये वो लिख लिए और नीचे में देखिए दोनों को कुछ बार करके घटा लेंगे रूट तीन के स्क्वायर थ्री रूट छः का स्क्वायर छः, तीन में से छः जाएगा तो माइनस तीन बचेगा, यहाँ देखिए माइनस को माइनस हो जाएगा उसी इसको ऊपर से पड़ जाएगा पलट मतलब खर्ची में चेंज होगा, देखिए फोर कॉमन हो जाएगा इंटू फोर रूट थ्री इंटू देखिए तो रूट छः माइनस रूट टू, लेकिन देखिए दोनों को बढ़ करके हर पर दोनों में ए प्लस बी माइनस बी तो रूट छः का स्क्वायर छः और रूट टू का स्क्वायर टू, तो छः में से दो जाएगा चार, ये कैसे कैसे नहीं आ रहा देखिए तो यहाँ पे हर पर करेंट करके दिखा देते हैं रूट छः प्लस रूट टू यहाँ पर करें करेंगे तो कल हो जाएगा रूट छः माइनस रूट टू रूट छः माइनस रूट टू, देखिए ई गुना हो जाएगा ई ए प्लस बी माइनस बी बीच में दोनों का स्क्वायर घट जाएगा, वैसे लिख रहे हैं डायरेक्ट एक स्टेप छुपा रहे हैं। ठीक है उसी इसी प्रकार से इसको कर लेंगे रूट छः इंटू देखो रूट थ्री माइनस रूट टू बटा तीन से दो जाएगा एक, ओके रूट तीन का स्क्वायर तीन और रूट टू का स्क्वायर टू तीन से हो जाएगा एक। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा देखिए तो यहाँ गुना हो जाएगा हम तीन का बाहर रह गए रूट से गुना कर देंगे रूट में
अपने 300 फीस गुना करेंगे, तीन कॉमन कॉमन लेना पड़ेगा हमको, इसलिए 3 बार रह देंगे। रूट से गुना करते, रूट 3 दूनी 6 6 हो जाएगा, मतलब 3 से गुना नहीं करेंगे, 3 से बाद में कर लेंगे। 3 से गुना करेंगे, 3 कॉमन लेना पड़ेगा हमारा, 3 से 3 कॉटेला, फिर 3 बार रह देंगे। और रूट 2 गुना 6 से तो 12 हो जाएगा, 3 दून 6 दूनी 12, नीचे देखिए 3 माइनस इसको भी 4 बार रह देंगे, अब गुना कर देंगे, 6 3 18 रूट 18 माइनस 3 दूनी 6 रूट 6 4 प्लस यहाँ देखेंगे 6 3 18 यहाँ तो गुना सीधा हो जाएगा, 18 माइनस 6 दूनी 12 रूट 12 यहाँ 4 रूट 3 हम कह सकते हैं, 4 रूट 3 हम लिखे होते हैं, तो ये नहीं लिखे, तो यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, यहाँ देखिए माइनस में हम माइनस में लिखा जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा माइनस 6 आ जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 12, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 18, अब माइनस वाला प्लस रूट 6, यहाँ देखिए प्लस रूट 18 माइनस रूट 12। चलिए जो करता है उसको काट लेंगे, प्लस माइनस कट गया, ये वो देखिए ये 12 प्लस में है, ये 12 माइनस में कट गया, ये देखिए 18 माइनस 18 प्लस में कट गया, हमारा कितना आ गया 0। आप मान लीजिए देखिए आप लोग का दिख रहा होगा क्वेश्चन, बोलिए कैसे, तो इसको भी हम बोले थे दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, 7 10 2 12 6 6 हमारा 7 5 35 फिर प्लस यहाँ पर कर लेंगे 6 प्लस 7 5 35 यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पर तो प्लस, वो कट गया 6 दिन 12 हम कह सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर। तो कैसे हुआ चलिए इसको दिखाते हैं, इसको हर पल में कर्म कीजिएगा, देखिए प्लस वाला माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, यहाँ देखिए हर पल में कर्म कीजिएगा, इसको भी हर पल में कर्म करिएगा ना, चलिए इसको इसको हर पल में करके दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर रूट 7 प्लस रूट 5 रूट 7 प्लस रूट 5 ठीक है, ये तो ऊपर में हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं ऊपर में, तो रूट 5 प्लस रूट 7 प्लस रूट 5 प्लस नीचे में वन या प्लस बी इंटू या माइनस बी हो जाएगा, या स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर 7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 का स्क्वायर 5 फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मानिए रूट 7 के बी मानिए रूट 5 के, ठीक है ठीक है, तो हमारा आ गया रूट 5 पर सॉरी रूट 5 प्लस रूट रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू ए प्लस बी 7 5 35 ए प्लस बी तो 2 इंटू बी 7 5 35 और नीचे में 2 हो जाएगा, देखिए दोनों के 12 हो जाएगा प्लस 2 35 बटा 2 यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 6 नीचे में 35 प्लस है तो प्लस दे देंगे, नीचे में 2 कट गया हमारा गया 6 प्लस रूट 35, दोनों का पहले इस तरह करेंगे तो दोनों का जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आधा कर लेंगे, दोनों 7 10 2 12 12 का कितना हो गया 6, हम माइनस तो माइनस दे लेंगे, उसके बाद ये दोनों गुना कर लेंगे और लिख देंगे सेम जो आएगा जो 7 5 35 नीचे में बढ़ करके घटा लेंगे, तो 7 के बढ़ किए 7 का स्क्वायर किए तो रूट 7 का स्क्वायर किए 7 रूट 5 का स्क्वायर किए तो 5 और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, और बाद 2 से भागा दे लेंगे 2 और उसे भागा दे लेंगे 1 यानी खत्म, मैंने लिखेंगे नीचे में वाद कुछ यहाँ प्लस में प्लस यहाँ को दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 3 10 2 12 12 के आधा 6 प्लस से प्लस दे लेंगे 7 5 35 जो गुना करके जो गुना करके यूनिट कर देंगे, और नीचे में देखिए 5 है तो दोनों का पहले बढ़ करके घटा के दूसरे भागा दे देंगे, पहले दोनों को घटा लेंगे मतलब बढ़ कर लेंगे
सात रूट सात का वर्ग सात और रूट पांच के वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो पांच और सात में से पांच जाएगा और दो और दो से भागा देंगे काट के यानी एक खत्म हो गया। काट लीजिए हमारे से कट जाएगा ये बला पैंतीस छो छो बारह हमारा गया आंसर मान। चलिए आप लोग बड़े से क्वेश्चन दिख रहा होगा इसको सोल्यूशन करेंगे। चलिए इसको देखेंगे इसको हम डायरेक्ट लिख लिख सकते हैं टू रूट सात माइनस फुट पांच। अब कैसे आया तो मैं क्वेश्चन बता रहे हैं नीचे में घट के दोनों को बार करके घटा लेंगे और दूसरे भाग दे लेंगे दोनों को बार करके घटा लेंगे दोनों को बार करके घटा लेंगे इसमें तो उसमें रूल नहीं लगेगा दोनों को बार करके घटा लेंगे तो दो बचेगा रूट सात के स्क्वायर सात रूट पांच स्क्वायर पांच दोनों को घटा के सात में से पांच जाएगा दो प्लस इसको हम लिख सकते हैं इसे रूट बारह प्लस रूट पांच बटा बारह में से पांच जाएगा सात। अब कैसे तो बार करके घटा लिए हर पर कारण कर लीजिएगा यहाँ डायरेक्ट करें पांच हर पर कारण करके ही आ रहा है इसे एक कस्टम छुपा रहे हैं अगर यदि हर पर कारण करेंगे तो प्लस में है ना तो कह जाएगा माइनस हो जाएगा मतलब चिन्ह से हर पर कारण के ऊपर बुना हो जाएगा और नीचे में डायरेक्ट घट रहा मतलब कि दोनों का स्क्वायर करके घट रहा तो बारह का स्क्वायर रूट बारह का स्क्वायर बारह और सात का सात और सात में से बारह में से सात जाएगा पांच 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 वाले सात सात कट गया दो दो कट गया। अब यहाँ से लिख लीजिए डायरेक्ट रूट पांच माइनस रूट रूट सात में रूट पांच प्लस रूट बारह प्लस रूट पांच माइनस रूट बारह यहाँ देखिए माइनस है दोनों कॉमन में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस मतलब माइनस रूट सात कट रहा है प्लस माइनस कट गया बारह बारह कट गया पांच पांच कट गया यानी जीरो हमारा हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए शेयर कर शेयर करना मत भूलिए यार शेयर जरूर करना एक शेयर करने का मोटिवेशन मिलता है दोस्तों शेयर करिए कुछ मिले चलिए मिलेंगे जय हिंद।